Good morning, everyone. I am Leena Yadav from Bharti College of Engineering and Technology. So today's your lecture is hydrology. That is a part of BE 5th sem. So आज हम cover करते हैं evaporation. Last lecture पे हम numerical देखे थे, then उसका derivation भी देख चुके थे. अब हम देखेंगे कि कैसे हम evaporation को study करते हैं. ठीक है, क्योंकि precipitation सबसे important terms है hydrology में. ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन का ख़त्म होता है, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इवेपोरेशन एक्चुअल में होता क्या है. सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हम जो है वाटर को क्या करते हैं, लिक्विड से क्या होगा वो गैस में कन्वर्ट होता है. ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू. और इवेपोरेशन को हम एक कूलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं. ठीक है, इवेपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज कूलिंग प्रोसेस. ठीक है, द अदर नेम ऑफ इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस. जस्ट बिकॉज हम क्या करते हैं, इसमें वाटर को लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन इवेपोरेशन का. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि इवेपोरेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक, तो आपका ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसपे पूछता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन. ठीक, तो ये है आपका मेन हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन. ओके, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को वो देखते हैं. बेसिकली आपका 6 टाइप्स के फैक्टर जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है आपका वाटर प्रेशर या वेपर प्रेशर. देन सेकेंड है आपका एयर एंड वाटर टेम्परेचर. ठीक है, थर्ड है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर. फोर्थ है आपका साइज ऑफ वाटर बॉडीज, फिफ्थ है आपका विंड इफेक्ट, देन लास्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो बेसिकली आपका 6 टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इस चारों फैक्टर को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इवेपोरेशन पे क्या होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन पे क्या होता था, सपोज ये आपका कैचमेंट एरिया है. ठीक है, कैचमेंट एरिया और ये आपका एटमॉस्फेरिक लोकेशन है. ठीक, तो प्रेसिपिटेशन पे क्या होता था, वाटर जो है प्रेसिपिटेशन में क्या होता था, अपने ग्राउंड सरफेस पे एंटर करता था. ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा. इवेपोरेशन पे वाटर बॉडीज जो है, ठीक है, वाटर जो है वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे तो आपके लैंड एरिया में, कैचमेंट एरिया में वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. ओके, ये लिक्विड है और यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर जो है गैस पे कन्वर्ट होगा. ठीक, प्रेसिपिटेशन पे क्या होगा, आपका जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेसिपिटेशन पे गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड पे. ठीक है, लेकिन आपका इवेपोरेशन पे क्या होगा, लिक्विड जो है गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा. ओके, प्रेसिपिटेशन पे अपना जो क्या है वाटर बॉडीज है वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ग्राउंड सरफेस पे एंटर करेगा, जबकि आपका इवेपोरेशन पे क्या होता है, आपके ग्राउंड से वाटर जो है एटमॉस्फेयर पे जाता है. ठीक है, ये इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ठीक है, मतलब आपका ये वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस पे कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन पे. ठीक है, अब इसका जो फैक्टर्स है वो देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं
जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है आपका वेपर प्रेशर, एयर एंड वाटर टेम्परेचर, थर्ड है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर, फोर्थ है साइज ऑफ वाटर बॉडीज, फिफ्थ है विंड अफेक्ट और लास्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका वेपर प्रेशर, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई वाटर का एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका वाटर बॉडी का एक कंटेनर है। ठीक है, और इस पर क्या है, आपका वाटर जो है फिल है। वेपर प्रेशर में क्या होगा, क्योंकि ये आपकी वाटर बॉडीज का एक टैंक है। ठीक है, ये आपका एक टैंक है, इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर पे वाटर जो है क्या होगा, ये अपवर्ड सरफेस से, मतलब ये वाला जो लेवल है आपका, इस लेवल से जो वाटर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, दिस बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर की इफेक्ट से क्या होगा, वाटर जो है अपर सरफेस का, पूरे डेप्थ तक नहीं, यहाँ तक का वाटर नहीं, सिर्फ ये वाला सरफेस, यहाँ तक का जो वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर की इफेक्ट से क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में क्या चला जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो जो आपका वाटर कंटेनर के सबसे टॉप लेवल पे जो वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर के इफेक्ट से वो क्या चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो किसका है, वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर की वजह से ही आपका जो वाटर है वो क्या होगा, ये तो आपका लिक्विड है, ओके, ये लिक्विड जो है वो क्या होगा, यहाँ से गैस पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि किसका इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पे, वेपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसपे वेपर प्रेशर की वजह से क्या होगा, वाटर जो है लिक्विड से गैस के फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड, एयर एंड वाटर टेम्परेचर। ठीक, आपका सेकेंड टर्म है एयर एंड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप पहले ही देखे हो, इसमें भी सेम हम क्या करते हैं, एक बाउल ले लेते हैं और इस बाउल पे हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, नीचे लैंप लगा के इस बाउल पे हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इस पर आपका क्या है, वाटर जो है फिल है। ठीक, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ओके, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, एक लैंप रखे हुए हैं, लैंप को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये वाटर जो है क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो जैसे जैसे वाटर को हम जब इसको गर्म करते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है वाटर का, तो क्या होगा, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, हाईली इंक्रीज होने लगेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये है आपका, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट पे क्या था, वेपर प्रेशर, जिसमें क्या होता है, वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर की इफेक्ट से। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो टेम्परेचर की इफेक्ट से इवेपोरेशन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे थर्ड पार्ट में देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। अब कैसे क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से इवेपोरेशन जो है अफेक्ट होता है वो देखते हैं। ठीक, सपोज एक आप सेम एज इट इज एक कंटेनर ले लो, ठीक है, और ये तो ये आपका नॉर्मल वाटर है इस पे, ठीक है, बस इस नॉर्मल वाटर पे हम कुछ अमाउंट पे सॉल्ट मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे सॉल्ट मिलाते हैं और इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस वाटर पे, ये तो आपका प्योर वाटर नहीं है, इस पे क्या है, सॉल्ट मिक्स है, तो जैसे ही हम इस पे सॉल्ट मिक्स करते हैं, ठीक, तो ये सॉल्ट वाला जो वाटर है वो ऊपर वाले सरफेस पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाता है और आपके नीचे वाले एरिया पे नॉर्मल वाटर रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इवेपोरेशन जो है वो
प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, अगर हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे अगर प्योर वाटर अगर नहीं होता है, ठीक है, तो प्योर वाटर पे इवेपोरेशन, ठीक है, क्या होगा, प्योर वाटर पे इवेपोरेशन जो है मोर होगा, ठीक है, मोर इवेपोरेशन इफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर इज प्योर, ओके। बट क्या होगा अगर आपकी वाटर की क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, आपके वाटर पे कुछ हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा एज कम्पेयर टू क्लीन वाटर पे। तो हमको ये ज़रूरी है कि जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस अगर हमको इंक्रीज कराना है तो हमको वाटर की क्वालिटी सही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर, जिस पे हमको वाटर की क्वालिटी प्योर रखनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, साइज ऑफ वाटर बॉडीज, ओके। आपका फोर्थ पॉइंट है साइज ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, साइज ऑफ वाटर बॉडी। ये कैसा अफेक्ट करेगा इवेपोरेशन के प्रोसेस को, सपोज हम क्या लेते हैं, एक शैलो वेल लेते हैं, ठीक है, ये है आपका शैलो वेल, ठीक, इस पे क्या होगा, क्योंकि साइज जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस को, क्योंकि ये क्या है आपका, ये जो वेल है वो आपका शैलो है, ठीक है। तो क्या होगा, सनलाइट जब भी इस पे एंट्री करेगा तो ऑब्वियसली ये जो वेल है वो शैलो है, तो क्या होगा, सनलाइट प्रॉपरली ऑलमोस्ट यहाँ तक तो एंटर करेगा, ठीक है, और क्या होगा, जैसे ही सनलाइट इस पे एंटर करेगा वाटर जो है वो गर्म होगा और गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्या है, शैलो वेल है, तो शैलो वेल की वजह से क्या होगा, वो सनलाइट जो है ईजिली एंटर करेगा, ठीक है, इस वेल पे, और एंटर होने की वजह से वाटर जो है वो क्या होगा, गर्म होगा, और जैसे ही वाटर गर्म होगा वो क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, डीप वेल ले लेते हैं, सपोज यहाँ तक हम क्या ले लेते हैं, एक डीप वेल ले लेते हैं, ठीक है, और ये पूरे डीप वेल में वाटर जो है फिल है, ठीक। जैसे ही एटमॉस्फेयर से क्या होगा, सनलाइट इस पे एंटर करेगी, जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वेल का डेप्थ हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो सनलाइट है वो प्रॉपर जो पूरे डेप्थ तक एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या होता है, सनलाइट सिर्फ और सिर्फ टॉप सरफेस पे एंटर करती है, ठीक, देन उसके बाद केवल टॉप सरफेस का ही वाटर जो है वो गर्म होगा, ठीक है। तो इतने एरिया का जो आपका वाटर है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है, और इवेपोरेशन के प्रोसेस होगा, और क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। तो ये अगर साइज ऑफ वाटर बॉडीज अगर हम क्या रखते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो लो हो जाता है, ठीक है। इफ द साइज ऑफ वाटर बॉडी इज हाईली डीप सो इवेपोरेशन प्रोसेस मस्ट बी लो, ठीक है। बट क्या होगा, अगर इवेपोरेशन मतलब हम वाटर बॉडीज जो है वो शैलो रखते हैं उसका डेप्थ, तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट इफ शैलो वेल वी हैव इन आवर प्रोजेक्ट देन इवेपोरेशन मस्ट बी मोर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डेप्थ जो है वाटर बॉडी की इंक्रीज करते जाएंगे तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो लो होते जाएगा, लेकिन अगर हम डेप्थ को कम करते हैं तो इवेपोरेशन का भी प्रोसेस जो है वो हाईली इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब लास्ट है आपका विंड इफेक्ट, फिफ्थ, और नंबर सिक्स का है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दोनों ही सेम है। इसमें क्या होगा, हम जैसे जैसे क्या करते हैं, विंड का इफेक्ट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
तो क्या होगा, अपना इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो लो होता है. ठीक. इफ इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इवेपोरेशन मस्ट बी लेस. ठीक है. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एटमॉस्फेयर का, अपना इवेपोरेशन जो है वो कम होता जाता है. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विंड का इफेक्ट कम करेंगे, तो इवेपोरेशन जस्ट डबल हो जाएगा. ठीक है, मोर हो जाता है. तो ये आपका मेन प्रोसेस जो है, कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, वो दिया गया है. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट है एज आपका थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन. ठीक. तो इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इस आगे का पार्ट जो है वो प्रोसीड करेंगे. ओके. थैंक यू.